तो गर्मी के मौसम में एक दो चूजे निकलना ही बहुत ही हो जाता है। दोस्तों सरप्राइज सरप्राइज क्या है, इतनी गर्मी पसीने छड़ गए, ये पसीने में भी हमारी मुर्गी के साथ 35 चिक्स है। कितने मुर्गियां मिलकर 35 चिक्स निकाले, और अभी देखो कितने प्यारे मासूम से, कितने से मस्त है। तो पूरा वीडियो शूट हुआ है, आपको ये वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगी। बस पहले क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको, जो भी भाई नए देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, और अगले भी वीडियोस आने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल करो। अपने को सपोर्ट करने के लिए आपका जितना हो सके उतना शेयर करो वीडियोस को। चलो देखो फिर किस तरीके से एक मुर्गी 35 चूजों को संभाल रही है। दोस्तों आज March 31, 2024 है, कड़कती धूप में भी हमारे पास कितने सारे बच्चे निकले। देखो ये मौसम में ज्यादातर चूजे निकलते ही नहीं है, मुर्गियों को बिठाते ही नहीं है लोग, फिर भी हमारे पास कितने सारे चूजे निकले, अंडे ही नहीं दिख रहे। तो एक बार गिनते हैं हम ये सारे चूजों को बाहर लेकर मुर्गी के साथ, क्या क्या करते जाएंगे पूरा दिखाऊंगा, देखते जाइए। अभी यहाँ पे 3 मुर्गियां बच्चे निकाले दोस्त, यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये 3 मुर्गियां, इनके चूजों को मैं अभी गिन के नीचे लेता हूँ। ये वाली दूसरी मुर्गी, ये वाली तीसरी मुर्गी, ये 3 मुर्गियों के चूजे दिख रहे हैं। दिखते ही हमें क्या करना पड़ता, जो छिलके निकलते हैं वो निकाल के एक सेपरेट टोकरे में लेना पड़ता। मैं बाजूक टोकरे में ले लिया हूँ, जो आपको रेक्टर का टोकरा दिख रहा है वहां पे। अभी मैं एक एक को गिनता हूँ। ये वाला एक कितना प्यारा है, गोरा सा, ये 2 और ये 3, ब्लैक वाला तीसरा, ये 4th, ये 5th, यहां तक 5 हो गए। फिर एक बार गिनता हूँ, हाँ 5 तो नीचे डाल लिया हूँ, ये काला वाला एक 6, ये 7th वन, मुर्गी को उठा रहा हूँ नीचे रख दूंगा 7th। इसकी कलर भी देखो मुर्गी कितनी प्यारी है, ये 8th वन, और कुछ है क्या, हाँ ये 9th वन, टायर के अंदर भी देखेंगे अच्छे से, और एक ये 10th वन। कितने हो गए टोटल, 10 हो गए, 10 चिक्स ये वाली हमारी निकाली। बचे कितने हमारे पास, ये अंडे में से भी क्रॉक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा तड़क दिखाई दे रहा है, ये तड़क वाला अंडा ना दूसरी मुर्गी के पेट के नीचे डाल देते हैं, इसमें से भी बच्चे निकलेंगे। अभी बचे हमारे पास ये मुर्गी 6 अंडों को बचाइए, इसको दूसरी मुर्गी को डालते और भी निकलेंगे, क्योंकि अभी अभी निकाली जैसा लग रहा है। ये गर्मी के मौसम में, ये मार्च के महीने में, मार्च एंडिंग में 10 चूजे निकलना भी एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट है मेरे भाई। 16 अंडे डाले थे हम, 10 चूजे निकले, बचे 6 चूजों में से भी, 6 अंडों में से भी चूजे थोड़े में से निकलेंगे, वो आगे आपको नजर आएगा। इसके तो 6 अंडे हम इधर साइड पे, ये वाली मुर्गी है ना हमारी, ये मुर्गी को डाल दी, ये मुर्गी कुछ भी चूजे नहीं निकाली, क्योंकि 5 अंडे इसके गंदे थे, ये चूजे निकाल दी थी, वो दूसरे मुर्गी को डाल दिए थे हम, तो 5 अंडे प्लस ये 6 अंडे, 11 अंडे डाल दिए उसको, 11 अंडे पे बैठी है अभी। बाजू के जो रेड कलर की मुर्गी है ना, ये ब्राउन रेड, इसके भी हम चूजे एक एक को गिन के निकाल लेते। देखो अभी ये टोकरे में छिलके नजर आया आपको, तो वही जब चूजे निकल रहा है साथ का साथ ही निकाल लेना। अभी एक डाला मैं नीचे, ये दूसरा चूजा, वो तो 10 निकाली, ये कितने निकालती देखेंगे, ये तीसरा, थर्ड हो गए, थ्री, ये वाला एक अभी अभी निकले जैसा है मासूम सा छोटा सा, ये 4 और ये वाला एक 5, 5 हो गए। मुर्गियां मुझे कुछ भी क्यों नहीं कर रहे बोलते, मैं रोज इनसे बात करता हूँ आके, उनकी जान पहचान हो गई है, अच्छे से दोस्ती हो गई। चलो इसके 5 चूजे तो मैं नीचे डालना हूँ, ये ब्राउन कलर की मुर्गी की हमारी, पूरा उठा रहा हूँ, अभी देखो कितने हैं, ये वाला एक 6ठा, 6th वन, और ये 7th वन, ये अभी अभी निकले यार, 7 तो नीचे डाला हूं मैं अभी, इनको रहने देते, 4 दिख रहे, वो 7 और ये 4 कितने हो गए, 12। भाई मजा आ गया, 12 चूजे निकाली ये, वो तो 10 निकाली थी, ये 12 निकाली, अभी ये अभी अभी निकले है, बिल्कुल अभी अभी, इसीलिए इसके पेट के नीचे ही रहने देते हैं शाम तक। अभी तो 2 बज रहे हैं, आफ्टरनून का टाइम है, शाम में देखते हो घट हो जाएंगे तो निकाल के उसको मिला देंगे, नहीं तो हाँ कल मॉर्निंग ही निकालेंगे। तो अभी तो 12 चूजे तो छिल दिए, वो एक 10 निकाली, एक 12 निकाली, अभी ये कालू के पास आए हैं हम, ये कालू कितने निकाली, ये देखो एक व्हाइट कलर का 1 और ये 2, भाई मजा आ गया माशाल्लाह परफेक्ट है 2, ये वाला एक 3, 3 चूजों को मुर्गी को मिला देता हूं मैं अभी, 3 चूजे,
थ्री निकले, ये डर रही ज्यादा है, घबरा रही ज्यादा है, इसको बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मुर्गी को ही दे देते हैं, क्योंकि हर मुर्गी के चूजे उनको एक एक पार्टीशन दे लेते जाए ना, अपने पास पार्टीशन बस नहीं होंगे। और दूसरा क्या है, एक मुर्गी का चूजा दूसरी मुर्गी के पास जाए तो भोंक कर मार देगी वो। चूजों की जान बचाने के लिए हमें ज्यादा चूजे एक मुर्गी को देना पड़ता है, नहीं तो किसकी मुर्गी को उनको दिए ना, वो आपस में लड़ लेकर चूजों को मार देते। वो तीन हुए थे, ये तीन, छह, और छह तो मैं हाथ में ले लिया, अभी नीचे डाल दिया, सिक्स्थ, ये सेवंथ वन, और ये एट्थ वन, आठ, आठ हो गए यहां तलक, ये नौ, दस। भाई दस, मजा आ गया, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट। दस, और भी कुछ है क्या? ये अंडे तो देखो, चार अंडे बच गए, मैं दूसरी मुर्गी को, ये बाजू की मुर्गी को डाल देता हूँ, ताकि इसमें से भी चूजे निकल सकते हैं। अभी मैं ये छिलकों को क्या कर रहा हूँ, एक टोकरे में डाल देता हूँ, ठीक है, छिलके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर और भी एक है यार, और एक, और एक, दो है, 10, 11, 12, 12, भाई मजा आ गया, 12। और भी है क्या, मैं देख रहा हूँ और भी, ये देखो, ओ भाई अभी अभी निकला 13th one, यानी 13 चूजे, माशाल्लाह, परफेक्ट परफेक्ट है। और भी है क्या, अच्छे से देख रहा हूं मैं, 13, एक 10 निकाली, एक 12 निकाली, एक 13 निकाली, इतना बेहतरीन रिजल्ट कैसे मिला हमको, मैं बताऊंगा, और भी देखते जाइए। अभी तो छीके मैं निकाल दे रहा हूँ साथ का साथ। तो ये देखो यहाँ पर 10, 10+12+ 12, और एक 12 है या 13 है, 13 चिक्स निकाली है, एक लास्ट वाली कालू वाली। भाई इतने सारे चूजे कितने हो गए टोटल, कितने, 35 चूजे। भाई मजा आ गया, इसके और भी निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम किस किस तरीके से बिठाए, बोली तो अंडों को हम ईंटों का एक पार्टीशन बना लिए बाजू में, आपको पिछले वीडियो में हम बनाकर दिखाए थे आपको, अंडे स्टोर करने वाली जगह, ताकि गर्मी के मौसम में क्या होता, बोली तो अंडे गर्म धूपा ज्यादा मार के गर्म अंडे के अंदर की जो जर्दी रहती पीली वाली वो घुल जाती ज्यादा धूपों की वजह से। तो इसलिए हम अंडों को ठंडा रखते, फ्रिज में रखी तो क्या है, ज्यादा कूल होकर अंडे का ऊपर का जो कैल्शियम का छिलका रहता है वो तड़क आ जाता है, और तड़क आकर उसमें से बच्चे नहीं निकलते, इसीलिए फ्रिज में रखना ज्यादा सेफ नहीं रहता। अगर से आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो फ्रिज की टेम्परेचर जो रहती नॉर्मल टेम्परेचर में लगाना, ज्यादा कूल नहीं करना, यानी आइस नहीं बनना फ्रिज में का पानी, थोड़ा ठंडा रहना बस उतना ही। ऐसे टेम्परेचर में आप अंडों को फ्रिज में रख सकते हैं। सेफ तो तरीका, ईंटा का बना लो पार्टीशन, उसमें थोड़ी रेती डालो, पानी डालते रहो, अंडे उसमें ही रखो, आराम से इस तरीके का रिजल्ट आता। हमारे पास इसी तरीके का रिजल्ट आया, ज्यादा दिन पुराने अंडे नको बिठाओ, लगभग 8 दिन के अंदर के अंडे ही बिठाओ, गर्मी का मौसम है तो 5-6 दिन में बिठा रहे आप तो और भी बहुत बेटर है। आपके पास एक दो मुर्गियां हैं तो आपको पॉसिबल नहीं है, तो अंडों को ठंडा रखो मेरे भाई। आपके पास ज्यादा मुर्गियां हैं, रोज के एक 20, 30, 40 अंडा आ रहा है, तो आप आराम से इस तरीके से बिठा दे सकते। अभी खाने के लिए मैं क्या लाया हूँ, स्टार्टर फीड लाया हूँ। स्टार्टर फीड लाकर इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ये वाला स्टार्टर फीड को हम मुर्गी के चूजों के सामने रख दे रहे, आराम से खा लेते ये वाले सारे चूजे, तो एकदम परफेक्ट है। डे वन पे हम खाने के लिए क्या दे रहे हैं मुर्गी के बच्चों को, स्टार्टर फीड, अंडे कैसा रखे हम। और एक बात, कितने अंडे डालना गर्मी के मौसम में, हम 15-16 अंडे डाले। देखो एक मुर्गी के पंख बड़े हैं तो 16 अंडे डाले, मुर्गी के पंख छोटे हैं थोड़ा तो 14-15 अंडे डाले। अभी रिजल्ट आपको दिख रहा है, इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलाएगा कर। अभी ये महीने में, मार्च के महीने में आपके पास कितने चूजे निकली आपकी मुर्गी, मुझे कमेंट करके बताइए। मार्च एंडिंग में, मार्च स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत धूप रहती, बट मार्च एंडिंग में तो दबा के धूप रहती मेरे भाई। तो यहाँ पर परफेक्ट है, आपको हर दिन ये मुर्गी के ऊपर वीडियोस मिलते जाएंगे, कैसे संभाल रहे हैं हम कहकर। बस आपको क्या करना, सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकॉन दबा के ऑल जरूर कर लेना। तो कैसा बिठाए हम, अब सिंपल देखो, ये वाला पानी, अभी पानी भी पीने के लिए पानी क्या दे रहे हैं हम इसको, एक ढक्कन ब्रूटॉन, यानी 1 लीटर पानी में क्या कर रहे हैं, 1 लीटर थोड़ा कम रहता पानी, एक ढक्कन यानी 5 ml हम ब्रूटॉन को ये वाले पानी में दे देकर बच्चों के सामने इस तरीके से रख दिए। अभी मुर्गियां ऐसा रहे तो आपस में
लड़ लेंगे, तेरे बच्चे मेरे बच्चे बोल के। तो क्या करना, हम मुर्गी को पकड़ लेना, अंडों पे बिठा देना, अंडों पे बिठा देकर ऊपर से टोकरा ढाप के रख देना। अभी ये मुर्गी को पकड़ा हो ना, अभी देखो इस तरीके का एक टोकरा है मेरे पास, ये टोकरे के नीचे मुर्गी को बंद कर दूंगा अभी अंडों पे बिठा के, ऐसा करना। तो यहां पर भी देखो कितने प्यारे से पांच चूजे है इसमें, ये लाल वाली मुर्गी अभी इसमें बैठी तो ही ये बच्चे अच्छे से सुरक्षित रहते। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, और एक बच्चा है, और एक बच्चा है यार, ये भी 13 चूजे निकाली, 12 नहीं 13 चूजे। एक तो अंदर चले गया था, एक मुर्गी 10 चूजे निकाली, और एक 13, और एक 13, यानी 36 चिक्स निकले हमारे पास टोटल। माशाल्लाह परफेक्ट परफेक्ट रिजल्ट है ये। अभी हम गंदे अंडों को सारों को देख रहे हो आप, एक मुर्गी को कर देकर बिठा दिए, इसमें से भी 4 चूजे भी निकले ना तो कितने हो जाते, 40 का बैच हो जाता, 3 मुर्गियां मिलकर 40 चिक्स निकाल रहे भाई, ये बढ़िया रिजल्ट है। आपके पास कितने निकाल रहे, कमेंट्स करो जल्दी से। तो ये चूजों को आप डेली देखना चाह रहे हो तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब कर लेकर घंटी दबाना है बेल आइकॉन की, तभी जाकर आपको ये डेली हम इनको क्या खिला रहे क्या पिला रहे आपको पता चलेगा। आज तो देखो हम स्टार्टर फीड दे दिए, किस तरीके से दिखता है आपको पता है कि स्टार्टर फीड कहाँ मिलता है भाई, बोली तो आप क्या करना, बोली तो पोल्ट्री फीड बोल के मैप्स में सर्च करना, जो लोकेशन बताने वाला मैप रहता है ना उसमें, आपके पास में जो भी फीड की दुकान है, पोल्ट्री फीड की दुकान है, वो बता देता हूँ, वहां जाके आराम से ला लेना। नहीं भाई नहीं मिल रहा बोल तो ढूंढो आपके इलाके में जो बड़ा शहर है, सिटी है, वो सिटी में ढूंढने की कोशिश करो, जो जानवरों की फीड की शॉप रहती, खल्ली वगैरह मिलती उसमें मिल जाता, अगर से फिर भी नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन मंगा लेने की कोशिश करो। बट ऑनलाइन में तो रेट दबा के बता रहा है यार, 250 रुपीज के करीब केजी बता रहा है, अगर से आप जाकर शॉप के पास जाकर ले लोगे तो एक 40 से 50 रुपए के बीच में केजी मिल जाएगा, बस आपको चूजे थोड़ा घट हुए तलक, थोड़ा बड़े हुए तलक देना पड़ता, एक 15 दिन या 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद आप थोड़ा सा फीड, बाजरा और घी, ज्वारी, थोड़ी सी मकई, ऐसे मिलाकर सब, सोयाबीन ऐसे मिलाकर आराम से खिला ले सकते हो। फिर पानी में क्या देना, पानी में ब्रूटोन देना। ब्रूटोन क्या होती है बोल तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही, 1 लीटर पानी में 6 ml मिला देना, बच्चों के सामने पीने के पानी में दे देना। पहले दिन इसी तरह से करें, अब सेकंड दिन क्या करते हैं मैं कल बताता आपको। तो अभी देखा हूं मैं तो इसके ऊपर इतने जुआ हुए, इतने जुआ हुए भाई पूछो ही मत, उतने जुआ है उतने सारे। तो इन जुओं के जरिए कैसे बचाए अभी चूजों को देखते जाओ हम क्या क्या करते जाते हैं। तो सर अभी देखो हमारी मुर्गी ना, हाँ लगभग 35 के करीब चूजे निकाली, 35 के नहीं 35 के करीब चूजे निकाली, इसके ऊपर इतने सारे जुआ हो गए, मस्त जुआ हो गए, दबा के जुआ हो गए। फिर इसका इलाज क्या करते हैं, हम जुओं का इलाज क्या करना है ये बताओ। इसमें देखो 1 लीटर पानी ले लिए ना, 1 लीटर पानी ले लिए के बाद ये वाली दवाई, ये कैसी रहती बोली तो ऐसी आती है आपको, ऐसा डब्बा रहता विट्रेस, विट्रेस कंपनी की, यही दवा लाना आपको। इसका रेट कितना रहता, 250 रुपीज़ इसका अमाउंट रहता। आप 100 रुपये वाली लाके या 50-60 वाली लाके मार के भाई नहीं जा रही नहीं जा रही बोल तो नहीं जाती मेरे भाई, यही लाना है एकदम, यही परफेक्ट, इससे ही जाते हैं। कई बोल तो मैं बताती सो इस्तेमाल करो, इसका ढक्कन ओपन कर देना, ओपन करके 1 लीटर पानी में 6 ml दवा मिलाओ, ज़्यादा ज़्यादा जुआ रहे तो, या ml का इस तरीके का ढक्कन मिल जाता आपको, मैं इसमें डाल रहा हूँ, डाल के 6 ml मिलाओ, ठीक है। अभी मैं डाल दिया हूँ, इसमें डाल रहा हूँ, अभी ये ज़्यादा दिन की दवाई है थोड़ा हमारे पास, इसीलिए और 2 ml ज़्यादा एक्स्ट्रा ले ले रहा हूँ मैं, इसमें डाल रहा हूँ। चलो ऐसा डाले ना, अभी डाले के बाद आराम से उसका कैप लगाओ, लगा के धनाधन धनाधन स्प्रे कर दो, मस्त स्प्रे करो। आपके हाथों के ऊपर गिरी तो भी चलता, कुछ भी नहीं होता, मुर्गी के नाक में गए तो कुछ भी होता, आंख में गए तो कुछ भी होता बोल तो नहीं होता, बट जानबूझ के उसके मुंह में डालना बोल के मत डालो, उसके आंख में डालना बोल के नक को डालो, ऐसा मारते जब गिर गए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 5-6 साल से डाल रहा मैं, मार रहा, कुछ भी नहीं हुआ आज तक, बीमारी के चलते बीमारी रहे सो मुर्गी को आप मार के भाई, ये मारे के बाद मर गई बोल तो वो अलग रहता मेरे भाई, वो बीमारी के चलते मर जाती, पर ये दवा गिरी उसको नहीं, आंख में थोड़ा बहुत गिर जाए, मारते रहे तो स्प्रे मारते रहे तो थोड़ा बहुत तो गिरता है ना, कुछ भी नहीं होता, पर जानबूझ के आंखी के ऊपर से जो जा रही है तो उसको देख के रप बोल के मारोगे ना पूरा आंखी में भर जाता हो, ऐसा नहीं करना, मारो गए तो परवाह नहीं, पर थोड़ा बहुत गिरा चल जाता, पर ज्यादा मत डालो, जहां जहां पर भी जू है हर एक जू के ऊपर मारना, हर एक जू के ऊपर गिरी तो ये मरते,
नहीं तो नहीं मरते। आज मारो, कल मारो, 2 दिन मारो, परसों छोड़ो, एक दिन छोड़ देके तीसरे चौथे दिन देखो एक भी जू नहीं रही थी, फिर भी वहां वहां दिख रहे, तो फिर एक बार स्प्रे कर दो ऐसी सेव, 1 लीटर पानी में 6 ml मिला के, 4-5 दिन भी नहीं यार, 2-3 दिन में भाग जाते, एक भी जू नहीं दिखती आपको। कल का वीडियो मिस नहीं हुए जैसा देखना, कितने चूजे रहते, कुछ भी मोर्टालिटी होती मालूम रहता, और सब्सक्राइब।